بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل रिवायत है वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्लाम की पांच चीज़ों पर बुनियाद रखी गई है नंबर एक इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं और नमाज का अहतमाम और पाबंदी करना ज़क़ात देना हज करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जान गए होंगे कि आपका इसमें शरीफ अब्दुल्ला है और वालद बुजुर्गवार का इसमें गिरामी उमर ये सिगरे सन्नी ही में अपने वालद मोहतरम के हमरा मुशरब इस्लाम हुए और आप गजब खंदक में शरीक हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इंतहाई मुतकी ज़ाहिद और आबिद शख्स थे और इल्म वाले भी थे सहाबी रसूल हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह उनके बारे में फ़रमाते हैं कि कोई ऐसा नहीं जिसने दुनिया से और दुनिया ने उसे अपने तरफ माइल न किया हो सिवाए अब्दुल्ला बिन उमर और उनके वालिद के नाफ़े फरमाते हैं आपने अपनी ज़िंदगी में एक हज़ार से ज़ायद ग़ुलाम आज़ाद किए आपकी विलादत वही से एक साल कबल हुई और अजत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शहादत से तीन महीने बाद सन तहत्तर हिजरी में वफात हुई आपने अपने ज़िंदगी में इस बात की वसीयत की थी कि उन्हें हिल में दफन किया जाए मगर हज़्ज़ाज़ बिन यूसुफ़ की वजह से उन्हें वसीयत के मुताबिक दफन नहीं किया जा सका महाजरीन के मकबरा जू तवा में आप सपर्द खाक किए गए फरमाते हैं कि बुनियाल इस्लाम से इस्लाम से मुराद यहाँ शरीयत है और कभी इस्लाम का इतलाक़ इदान क़लब यानि दिल के पुख्ता यकीन पर होता है इसी तरह असलाम बि जमीअल अल्ँ तमाम कुआ के ज़रिए से इत करने पर भी इतलाक़ होता है सदुना इब्राहीम अलतम को इसी का हुक्म हुआ था इरशाद ख़ुदाबंदी है इब उम असलम तोल रब्बिलमी यहाँ इस्लाम से इस्लाम कामिल मुराद है इसलिए कि इस्लाम की हकीक़त शहादतें पर मबनी है अला खमसिन, ख़म्स एक अदद है और यहाँ पर उसका मदूद महजूफ़ है कई ख़मस दाइमिन या ख़मस ख़मसत अशिया या यामसत अरकान बहरहाल इस्लाम की बुनियाद पाँच सतूनों पर रखी गई है इस्लाम को हदीसे पाक में मा अरकान खमसा के एक ऐसे खेमे के साथ तस्वीर दी गई है जो पांच सतूनों पर कायम हो ये बलागत के ज़बान में इस्ते तमसीलियाँ कहलाता है या ये कि इस्लाम को एक ऐसी इमारत के साथ तस्वीर दी गई है जो सुतूनों वाली हो आप यहाँ देख रहे हैं कि मुशबा का तो ज़िक्र है अलबत् मुशबा बिही का ज़िक्र नहीं है लेकिन मुशबा बिही के लाजिम और खाखवास का यहाँ ज़िक्र किया गया है और वो है बिना इसे इसतारा तरशीहिया कहा जाता है तो जिस तरीक़े से एक इमारत अपने सुतनों पर कायम होती है ऐसे इस्लाम को भी पांच अरकान पर कायम किया गया नंबर एक पर शहादत का जिक्र है शहादत ये कुतुब है और मदार है जिसके इर्द गिर्द चार सुतून है नमाज रोज़ा ज़क़ात हज तो यूँ समझिए कि शहादत ख़ैमे की दरमियानी लकड़ी है दरमियानी सुतून है और बक़िया चार चीज़ें नमाज रोज़ा ज़क़ात हज ये ख़ैमे की दीगर खूटियों और रस्सियों की तरह है और आप समझते हैं कि इन अरकान अरबा में से एक भी अगर न होगा तो यकीनन वो हिस्सा कमज़ोर हो जाएगा और अगर चारों ही नापैद हो जाएं चारों ही गिर जाएं किसी पर भी अमल ना हो ना नमाज ना रोज़ा ना जकात ना हज तो यकीन जानिए जो दरमियानी सुतून है जो कुतुब है यानि शहादतें वो भी जो है वो कितनी देर तक क़ायम रह पाएगा इमारत मुनहदिम हो जाएगी शहादती इलाह शहादती इसको जर के साथ मैंने पढ़ा है जर के साथ पढ़ने की सूरत में ये खमसिन से बदले कुल होगा या अतफ़ बयान होगा इसे शहादतु मरफू भी पढ़ सकते हैं अगर आप मरफू पढ़ेंगे तो ऐसी सूरत में ही मुबतदा महजूफ़ बनना पड़ेगा या एहदा की ख़बर उसको करार दिया जाएगा मिन शहादतु ख़बर महजूफ़ मानी जाएगी इसी तरह उसे मनसूब भी पढ़ा जा सकता है शहादता इस सूरत में आनी फ़ेल को मुकद्दर मानना होगा व अम्म अब्ब्ब व रसूलू महम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं अब यहाँ अब्द कामिल मुराद है और रसूलहू अल्लाह के कामिल बंदे और मुकम्मल रसूल हैं शरा शहादत में तलाज़ुम है नंबर एक शहादत तोहद और नंबर दो शहादत रिसालत जब दोनों में तलाज़ुम है तो दोनों को एक ही शुमार किया गया है सेहत इस्लाम के लिए इस्लाम के सही होने के लिए शहादतें का होना ज़रूरी है और जो बाद रिवायात में ला इला एक शहादत मरवी है तो मुमकिन है कि वो रावी का निशान रावी के नसीान का नतीजा हो या फिर इक्तफा बेजिक्रहादिश श हो यानि दो चीज़ों में से एक के जिक्र करने पर इक्तफा किया गया हो वह में थी और फर्ज नमाजों की पाबंदी दवाम के साथ इससे पहले भी अकामत का माना आपको बताया जा चुका है नमाज की फ़र्जियत आप जानते हैं हिजरत से पहले हुई है शब मज में अब आप पूछेंगे मराज कब हुई है तो हम कहेंगे हिजरत से पहले हुई है अब इसमें अख्तिलाफ़ है कि कितने पहले हुई है मुख्तल अकवाल हैं कोई कहता है कि पाँच साल पहले कोई कहता है तीन साल पहले कोई कहता है एक साल पहले बहरहाल इतना तो मुतन है कि हिजरत से पहले शब माज में नमाज़ की फर्जियत हुई व इता इस ज़क़़ा थी और मुस्तक ज़क़़त को ज़क़़त देना यानि उसको मालिक बना देना जैसे इकाम सलात में सलात मफरूदा मुराद है इसी तरह यहाँ पर भी सदक़ मकतूबा मुराद है सदक वाजिबा मुराद है सदक़ नाफिला मुराद नहीं हैं और ये भी आप जान चुके हैं कि ज़क़़़़़त की फर्जियत दो हिजरे में हुई वल हज़ी हज यह हजन हज मजदर है एक रिवायत में हजल बैत यानी बैतुल्ल का अदा नसुख की गरज से कस््द करना पर अल जो अलफ़लाम है वह मुजाफिले के केवज़ में है और बाद हज़रात ने लाम को अहद जहनी के लिए करार दिया है और वाव मुतलक जमा के लिए है तरतीब के लिए नहीं है लिहाज़ा आपके जहनों में जो इश्काल पैदा हो रहा होगा कि हज को यहाँ पर सोम पर मुक़दम किया गया है इश्काल वारिद नहीं होगा रोज़े की फ़र्ज़ियत जकात से पहले और जकात की हज से पहले हुई है हज की इजाफ़त अलबैत की तरफ ये इजाफतलहुक्म अलमुस के कबील से है इसलिए हज का सबब बैतुल्ला है और बैत में तकरार नहीं इसलिए हज में भी तकरार नहीं हज को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिक्री में सोम से पहले है रोज़े से पहले उसका ज़िक्र है उसकी वजह यह है कि इबादत या तो बदनी होगी जैसे नमाज या सिर्फ़ माली होंगी जैसे ज़क़ात या फिर दोनों से मुरक्कब होगी और वो है हज तामसला या तो योमिया होगी जैसे नमाज या सनविया होगी जैसे सोम या उम्र में एक मरतबा उमरिया होगी जैसे हज सवाल पैदा हो रहा है कि हज में इस्तात का जिक्र नहीं किया गया जैसे कि इससे पहले जो हदीस हदीस जब्राइल गुजरी है उसमें इस्तात का जिक्र है तो उसका जवाब यह है कि यहाँ इसतात का जो जिक्र नहीं किया गया वो शहरत पर इतफा किया गया है या इस वजह से भी कि इस्तात का एतबार तो हर इबादत में है वसौ में रमजाना माह रमज़ान के रोज़े रखना रमज़ान महीने का नाम है इसलिए यहाँ हदीस में शहर रमज़ान कहने की ज़रूरत नहीं क़ुरान में जो शहर रमज़ान हैं ये इजाफ़त बयानियाँ सवाल ये है कि यहाँ हदीस में हज का ज़िक्र रमजान पर मुक़दम है ऐसा क्यों जमहूर फ़कहा ने किताबुल हज को तमाम इबादत से मौखर ज़िक्र किया है वजह ये है कि हज उम्र में सिर्फ़ एक मरतबा लाजिम होता है अगर कोई शख़्स किसी वजह से वक्त पर अदा ना कर सके तो ये फरीजा मौख़र होता है आखिर उम्र तक जिसका हरग़ हरग़ ये मतलब नहीं है कि हज को आखिर उम्र तक मौखर करना चाहिए जैसे कि हमारे हिंदू पाक में कुछ इस तरह का रिवाज था और ख्याल था बाज रिवायत में सौ मुकदमे हज पर जैसे इब्ने उमर रजी अल्लाह तुम ने यह हदीस बयान फरमाई तो एक शख्स ने वसोमे में रमज़ान हज के बजाय वल वसौ में रमज़ान कहा जिस पर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तनों ने फरमाया ला ला, ला। वसौ में रमज़ान हज हाँ कदा समय तो हूँ الله रसूल وسلم इस हदीस में ये जो अरकान ज़िक्र किए गए हैं अरकान अरबा नमाज रोज़ा ज़क़़्त हज ये सब फ़र्ज़ आय हैं अब अगर कोई ये इशकाल करे एतराज करे कि इस हदीस में जिहाद का ज़िक्र क्यों नहीं तो आप जानते हैं कि जिहाद फ़र्ज़ आयन नहीं है फ़र्ज़ किफ़ाया है यहाँ एक सवाल पैदा होगा कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर रखी गई और उसके जो अज्जा हैं वो मबना आल शहादतें नमाज़ रोज़ा ज़क़़ हज इश्काल ये है कि तमाम इबादत शहादतें पर मबनी है तो ये कैसे हो सकता है कि शहादतें तीसरे के लिए भमना आले हो होने बात शायद आपके समझ में आ रही होगी कि नमाज रोज़ा जक़ात हज ये इबादात की खुद बुनियाद जो है शहादतन पर है अब शहादतें ये इन इबादत की बुनियाद उसी पर रखी गई वो असास है फिर उस पर जो है किसी चीज़ की असास और बुनियाद कैसे रखी गई तो जवाब यह है कि इसमें कोई की बात नहीं है एक कि बिना दूसरे पर हो और वो दोनों तीसरे यानी अमरे आखिर के लिए मबना आले हो, ये कोई मुस्तबाद बात नहीं जैसे कि इमारत है उसके सुतून का मदार नीचे की दीवारें हैं पाए की मगर इन सितूनों पर ऊपर का छत बना हुआ होता है एक सवाल यहाँ ये भी पैदा हो रहा है कि मबना और मबना में मुगायरत होना चाहिए दोनों एक दूसरे के मुगायर होना चाहिए जबकि हम देख रहे हैं कि अरकान खमसा आयन इस्लाम है इनमें मुगायरत नहीं है उसका जवाब ये दिया गया है अलामा अपने हजर ने भी और बद्रद्दीन आइनी ने भी अपने शुरुआत में जवाब दिया है कि इस्लाम नाम है मजमो का और मजमो अरकान इस्लाम में से हर एक का गैर है याद रखें इस्लाम नाम है मजमु का और मजमो इस्लाम के जो अरकान हैं उनमें से हर एक का गैर है हर हर फ़र्द के अतबार से यहाँ मगारत पाई जा रही है इसलिए कि कुल ब्या हर फर्द रुकन नहीं है कुल ब्या हर फर्द रुकन नहीं है इसलिए किसी न किसी तरह बहरहाल दोनों के दरमियान में महारत है फिर एक सवाल पैदा होगा कि ईमान बिल्बिया वमालाइका का यहाँ जिक्र क्यों नहीं जिस तरह हदीस जिब्राइल में है उसका जवाब ये दिया गया है कि शहादत से मुराद तस्दीक और रसूली बिमा जा अब ही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से जो शरीयत और अहकाम लेकर आए हैं जो उमूर लेकर आए हैं उसकी दिल से तस्दीक करना ये मुराद है लिहाजा ये तमाम मतकदात को मुस्तलम है ईमान बिल-अम्बिया ईमान बिल-मलाइका ईमान बिल-कुतुब ईमान बिल बिलयोमिल आखिर वगैरह वग़ैरह जितने भी मतदादा हैं सब को ये हैं नबी करीम सल्हसम ने जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप मालम कायन थे आपसे बेहतर न कोई मालम हुआ है न होगा आपने एक मक़ूल बात को महसूस के साथ तस्वीर देकर समझाया है कि जिस तरह एक इमारत हो जो सुतून और बुनियाद पर क़ायम हो उस पर छत हो इसी तरह ईमान के चदरकान और सुतून हैं जिस पर इस्लाम की यह इस्लाम का यह मशान महल कायम है और जिस तरह इमारत की बुनियाद नज़र नहीं आती इमारत की बुनियाद नज़र नहीं आती इसी तरह ईमान के इस क़िले की बुनियाद भी नज़रों से उजल है वो है बातिनी तस्दीक तो तस्दीक बातिनी ये बुनियाद है और इसके अलावा दीगर चीज़ें ये मिस्र सतून के हैं और किसी महल का क़याम सुतूनों के बग़ैर नहीं हो सकता ऐसे ही इस्लाम का क्याम भी बिना अमाल के मुमकिन नहीं है इन अरकान में बाहम इरतबात और जोड़ है एक दूसरे से एक ताल्लुक़ है और एक को दूसरे के ज़रिए से खुवत मिलती है अगर एक भी सुतून गिर जाए तो पूरी इमारत का बोझ बकिया तीन सुतूनों पर आ जाएगा एक के सहारे के कम हो जाने की वजह से बक़िया तीन में नक््स का आना यकीनी है इसी तरह ब्या ही ईमान की इमारत का हाल है और अभी मैंने बताया कि वस्ती सतून यानी कुतुब तो बहुत ही अहमियत का हामिल होता है अगर वही साकित हो जाए गिर जाए तो पूरी इमारत ही धड़ाम से गिर जाएगी मुनदिम हो जाएगी अब इन अरकान खमसा में से सबसे अहम रुकन कौन सा है तो आप समझ ही गए होंगे कि शारे ने अहमियत तोहैद को दी है और उसके बाद आमाल में नमाज़ को दी है ज़ाहिर हदीस से ये बात मालूम हो रही है कि अगर कोई इन अरकान में से एक रुकन को भी तर्क कर दे तो वो मुसलमान नहीं मगर याद रहे कि इस बात पर इजमा मनक़द है कि वो काफिर नहीं होगा अब आप कहेंगे कि इमाम शाफी रमतल के यहाँ तारीख़ सलात को तो क़त्ल किया जाता है तो इस सिलसिले में याद रखें कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतल्ला तारीख़ नमाज को कुफरन क़त्ल नहीं कर क़त्ल का, का हुक्म नहीं देते हैं बल्कि हदन इसी तरीक़े से मंतर का सला त फ़कद कफ़र से आप ऐतराज़ कर सकते हैं तो उस सिलसिले में भी याद रखें कि ये हदीस में जो कहा गया कि जो नमाज को कसदन और जानबूझ कर छोड़ दे उसने कुफ्र किया ये फ़क जजर और तम्बी को पर इसको महमूल किया जाएगा अलबत् अगर तारीख़ सलात नमाज के छोड़ने को और तर्क करने को जायज़ और हलाल समझता हो बल्कि यूँ कहिए कि नमाज की फ़र्ज़ीत का ही मुनकिर हो तो वो काफिर हो जाएगा या फिर फ़कद कफ़र से कुफरान नेमत भी मुराद लिया जा सकता है कोई? अब आप एक सवाल कर सकते हैं यहाँ पर कि अरकान खमसा में इहिसार की क्या वजह तो याद रखें कि इबादत दो तरह की है या तो कौली होगी जैसे शहादतें, या फिर गैर कौली फिर गैर कौली दो हाल से खाली नहीं या तो तरकी होगी जैसे रोज़ा इसमें तर्क है ये तरकी इबादत है रोज़ा खाना तर्क किया जा जाए पीना तर्क किया जा जाए जा जिनसे ख़्वाहिशात की तकमील को तर्क किया जा जाए जा या फैली होगी फिर फैली दो हाल से खाली नहीं बदनी होगी जैसे नमाज या माली होगी जैसे ज़क़ात या फिर दोनों से मरक्ब होगी जैसे हज यह है इनार की वजह एक बात मज़ीद याद रखे कि वजह तरतीब इन अरकान में जो तरतीब रखी गई है सबसे पहले शहादतें उसके बाद नमाज तो याद रखे ईमान असलबाद है इस वजह से उसकी तकदीम दीगर अरकान पर मुतन है उसके बाद नमाज इसलिए कि नमाज उम्मुल इबादत है उसके बाद ज़क़़़़़त इसलिए कि क़ुरान में नमाज़ के ज़िक्र के साथ ज़क़़त का भी ज़िक्र है तो ज़क़़त सलात की करीन है उसके बाद हज इसलिए कि माली और बदनी दोनों से मुरक्कब इबादत है अगर सौम हज पर मुकदम माना जाए तो फिर यूँ तौजी करेंगे कि रोज़े की फर्जियत सन दो हिजरे में हुई है उसकी फर्जियत मुकदम है और हज की फर्जियत में दो कौल हैं एक कौल के मुताबिक सन छः हिजरे में और एक कौल के मुताबिक सन नौ हिजरी में हुई